बड़ा कर लेता हूँ मैं। ये देखिए, ये था दोस्तों हमारा ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी और इसके मुख्य घटक, इसके फैक्टर क्या क्या है, ये हमें जानना जरूरी है। ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं उनमें से बहुत क्वेश्चन आज तक आए हैं, तो इनके बारे में हमें पता होना जरूरी है। ग्रीन हाउस के अंदर सबसे पहला आता है दोस्तों वाटर वेपर आते हैं, H2O वेपर्स, यानी कि वेपर्स जो छोटे छोटे कण होते हैं, जिसे धुंध के अंदर होते हैं ना, छोटे छोटे कण जो होते हैं उसको हम कहते हैं वाटर वेपर कहते हैं। वैसे तो हम सोच भी नहीं सकते कि पानी से जो भाप बनता है वही ग्रीन हाउस में से एक मुख्य गैस है जो हमारी पृथ्वी के वातावरण को गर्म बनाने का काम करता है। इससे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाप हम इंसानों द्वारा सीधे तौर पर नहीं बनता, ये हमारे मौसम में होने वाले बदलाव की वजह से बनता है। देखिए, जैसे ज़्यादा गर्मी होगी तो ज़्यादा गर्मी से क्या है, जो तालाब है और अन्य चीज़ें उनसे क्या है कि जो पानी वो भाप उनके ऊपर उड़ेगा, और उससे भी क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद में दोस्तों जैसे जैसे वातावरण में तापमान बढ़ता है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, जैसे जैसे हमारा तापमान इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे वैसे वाटर वेपर बहुत ज़्यादा बनते हैं। और जहाँ पर ये सूर्य से आने वाली रोशनी और उसके साथ रहने वाले रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है और दुनिया गर्म होती रहती है, ये क्या करते हैं, देखिए हवा के अंदर जब पानी होगा तो पानी के अंदर जो भी हानिका जो गैसेज जाने वाले होते हैं, ऊपर जाने वाले होते हैं, वो वहीं पे उसको ऑब्जर्व कर लेता है, उसको सोख लेता है। तो इसलिए तापमान जो है वो इंक्रीज हो जाता है पृथ्वी का, और जो गैसेज है वो बाहर नहीं जा पाती, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाती, वो पृथ्वी पे ही रहती है, ये इसका फंडा है। जी, ओस की बूंदे, जी बिल्कुल सही कहा जी आपने शहजादी खान जी, ओस की बूंदे। ओस की बूंद, देखिए ओस की बूंदे तो वैसे अलग होती है, वो ऊपर से गिरती है, ओस की बूंदे ऊपर से गिरती है, लेकिन वाटर वेपर क्या होता है, तो पानी को जैसे जब हम गर्म करते हैं, गर्म करने से जो भाप बनती है उसको हम वाटर वेपर्स बोला जाता है। यहाँ पे ग्रीन हाउस के अंदर उसका मीनिंग ये है, ठीक है, तो थोड़ा समय समझने की जरूरत है, ओस की बूंद के जैसा होता है ये। जी, आगे हम बात करते हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस का सबसे महत्वपूर्ण गैस है। वायुमंडल में पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का प्राकृतिक स्रोत क्या है, ज्वालामुखियों से निकलने वाला धुआं, ये थोड़ा शायद गलत हो गया इसके अंदर, इसके अंदर देखिए स्रोत आपको पता होना चाहिए, सोर्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सोर्स में से क्वेश्चन आए हैं पहले, अगर आपको याद हो तो सोर्स में से क्वेश्चन आए हैं पहले। इसमें क्या है कि जो ज्वालामुखी होते हैं उनसे जो धुआं निकलता है तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, कार्बन से बना कोई भी मटेरियल जलता है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड जीवों द्वारा सांस छोड़ने पर पैदा होती है। ये स्रोत एक प्रकार से संतुलित होता है, जो कि एक फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस का सेट होता है, जिसे सिंक कहा जाता है। ये वातावरण में CO2 को हटाने का काम करते हैं। ये देखिए, इसके ये एक तो हम नेचुरल तरीके से हम लेते हैं, जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उससे भी हमारा CO2 निकलता है, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ये नेचुरली बैलेंस होता है, ये अपने आप बैलेंस हो जाता है। लेकिन इसके अलावा जो भी हमने ऊपर जो बात की, जैसे ज्वालामुखी से निकलता है और कार्बन की जो भी चीज़ें जलाते हैं उनको हम बैलेंस कर पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है ये चीज़ें। और सिंक के बारे में मैं एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, वो हम जब लाइव मॉक टेस्ट करेंगे उसी के साथ में उसको एक्सप्लेन हम कर देंगे। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक सिंक स्थलीय वनस्पति होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान CO2 को लेते हैं। अब देखिए, जो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो वनस्पति पेड़ पौधे लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो वहाँ पे वो बैलेंस हो जाती है वो चीज़ें। अध जले वस्तुओं से, जी जैसे चावल बनाने से वाष्प, जी बिल्कुल सही, जी जब हम खाना बनाते हैं तब भी देख सकते हैं भाप से बना पानी, जी बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही सुमन जी, पानी से भाप बनता है कहाँ, खाना बनाते समय, जी बिल्कुल सही जी, आप तो भाई बड़े बड़े ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो भाई, सभी को पता है, अच्छी बात है।
चलिए दोस्तों, अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन आता है, मीथेन में से क्वेश्चन आता है, और इसका जो रासायनिक सूत्र है CH4 है, ये आप याद रखना। मीथेन दूसरी सबसे ज़्यादा जरूरी ग्रीन हाउस गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली होती है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम कंसंट्रेशन में मौजूद रहता है, और इसके अलावा मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत कम समय के लिए रहता है। मीथेन का वातावरण में रहने का समय 10 साल के लगभग में होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सैकड़ों सालों के लिए वातावरण में मौजूद रहता है। मीथेन गैस मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों और उत्तरी वेस्टलैंड में उत्पन्न होती है, और मीथेन गैस के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था कि ये कहाँ कहाँ पे मिलती है। इसमें हमने बात की थी ना कि वो रेफ्रिजरेटर वगैरह थे उसके अंदर। एक मिनट में देख लेते ताकि हमें अच्छे से रिमाइंड हो जाए ये चीज़ें। ये CFC था वो, तो CFC था, माफ़ करना, CFC था वो। मीथेन 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 हमने नहीं की शायद। मीथेन का सोर्स नहीं है क्या? मीथेन मैं बता देता हूँ, एक मिनट रुकिए, एक मिनट देखते हैं इसमें मीथेन। देखिए एक मैं बता देता हूँ इसके अंदर, रुकिए। मीथेन मीथेन एक तो वहां से उत्पन्न होती है जो हमारे, हम धान वगैरह लगाते हैं, धान वगैरह लगाते तो उनसे जो पानी होता है वहां से ये प्रोड्यूस होती है मीथेन गैस। और दूसरा जो भैंस चारा खाने के बाद में अपना जो भोजन पकाती है, सॉरी जो चबाती है और वो पचाती है ना, जिसे जुगाली कहते हैं हिंदी के अंदर, तो वहाँ से भी ये होती है, और ज़्यादातर जो हमारे खेत होते हैं वहाँ पे होती है। और दूसरा वहाँ पे होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो रहा ठंड वाला मौसम हो, वहाँ पे ये होती है। और इसमें से पहले क्वेश्चन आया था जी, गोबर से होती है, धान से होती है, और जो भैंस होगी, जो भी पशु वो जुगाली करते हैं, जुगाली मीन्स यानी खाना खाने के बाद उसको पचाने की जो प्रोसेस करते हैं, वो चबाते रहते चबाते रहते चबाते रहते मुंह को चलाते रहते, तो वहाँ से भी हमारी मीथेन गैस उत्पन्न होती है। और इसमें से पहले क्वेश्चन आया हुआ है, मीथेन से खाना बनाते हैं, गोबर में से मीथेन बनती है। जी बिल्कुल सही, मीथेन गाय के गोबर से। जी बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही, धान से। यू आर फेवर में, योर फेवर में, ओके ओके, चलिए आप समझ गए होंगे जी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ओजोन की बात करते हैं, O3 की बात करते हैं। ओजोन एक प्राकृतिक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। ये एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो उसके प्रभाव को उत्पन्न करता है। सतह पर यह सूर्य प्रकाश की मौजूदगी में हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के रिएक्शन की वजह से बनता है। ओजोन वायुमंडल के दोनों सतह पर मौजूद होता है, जहाँ से ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी की सुरक्षा करता है। ये देखिए, ये जो ओजोन है ना, एक तो हमारी ओजोन लेयर के पास वहाँ पे होते हैं, वो क्या करते हैं, एक तो ओजोन लेयर होते हैं वही, उसको कहते हैं O3 कहते हैं, तो वहाँ पे ये क्या करते हैं कि अल्ट्रा वायलेट किरणें जो आती है उसको बचाती है, ठीक है। एक तो हमारी जो सबसे ऊपर की जो परत होती है उस पर होती है ये, एटमोसफेयर के जो लेयर होती है, सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है वहाँ पे होती है, और दूसरी ये कहाँ पे पाई जाती है, पृथ्वी के धरातल पे भी पाई जाती है, लेकिन नीचे आने पे ये क्या है, ये काफ़ी हानिकारक हमारे लिए हो सकती है। तो ओजोन गैस है वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए फायदेमंद भी है और हमारे लिए नुकसानदेह भी है। इसके दोनों दोनों पहलू है इसके, तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। और कई बार पता है क्या आता है, कई बार इसमें से ये क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये क्वेश्चन इस तरह से पहले आया हुआ है, और कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो ये हम सभी को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है और इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ कहाँ से होता है, कहाँ कहाँ से उत्पन्न होती है। जैसे O3 की बात की हमने, ये क्या है, प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है ये बनती नहीं है, ये नेचुरल होती है जी। ओजोन बीच वाली लेयर है, ओजोन बीच वाली लेयर है,
समताप मंडल है जी। चलिए अभी हम देखेंगे, देखते थोड़ी देर में देखते हैं। चलिए अभी देख लेते, रुको। एक मिनट, ये था हमारा, रुकिए रुकिए रुकिए, इसमें मिल जाएगा शायद। तो नहीं, इसमें नहीं है, वो हमारा दूसरा नोट्स था, उसके अंदर थी वो। कोई नहीं, आप एक थोड़ा सा देख लेना दोस्तों, इसको अच्छे से देख लेना, कौन सी लेयर के अंदर होती है। मैं अंदाजा लगा रहा हूँ ये अपर मोस्ट लेयर में होती है। कोई नहीं, आप फिर भी कंफर्म कर लेना, ये नोट्स वो दूसरा है, और जिसमें हमने लेयर्स वगैरह दिखाई थी वो नोट्स अलग है। तो आप ये थोड़ा देख लेना इसके बारे में। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं। बीच वाली ही है जी। ओके सर, ओके ओके, बीच वाली नहीं है, सेकंड नंबर की है जी। कोई नहीं, आप एक बार देख लेना, हमने नोट्स आपको करवाए हैं और आपने शायद स्क्रीन शॉट लिया होगा, आप उसमें से देख लेना, कोई बात नहीं। समताप मंडल के ऊपर होती है सर। हाँ जी, समताप मंडल। अब समताप मंडल जो है वो कौन सी लेयर है, सबसे पहली लेयर है या सबसे लास्ट वाली लेयर है, कौन सी है? इतना तो मेरे को याद है, समताप मंडल के ऊपर होती है ये, स्ट्रेटोस्फेयर में। सोर्स व्हीकल एग्जर्शन। कैसे रोहतास जी? जी मैं अच्छा हूँ जी। जैन क्लब, जेंट्स क्लब जी। समताप मंडल सेकंड है। ओके 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 ओके, सेकंड बीच की है सर। ओके सर, ओके ओके जी, बीच की है, समताप मंडल से ऊपर होती है ये जी। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं। N2O और फ्लुओरिनेटेड गैस। देखिए, अन्य गैसें जो इसमें शामिल, इनमें से अधिक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिनमें से नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लुओरिनेटेड गैस, जिसे हेलो कार्बन भी बोलते हैं। हेलो कार्बन किसे बोलते हैं ये आप देख लेना। नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लुओरिनेटेड गैस को हम हेलो कार्बन बोलते हैं, और ये ज़्यादातर क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होते हैं उससे उत्पन्न होती है जी। बिल्कुल सही शहजादी खान जी। इसमें से जो एक्स्ट्रा गैस होती है वो है CFC, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन शामिल है, और भी जो गैसें शामिल है इसके अंदर, ये इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। और मिट्टी और पानी में नेचुरल बायोलॉजिकल रिएक्शन की वजह से नाइट्रस ऑक्साइड की बैकग्राउंड कंसंट्रेशन कम होती है, जबकि फ्लोराइड गैसों की उपस्थिति इंडस्ट्रियल सोर्स तक होती है। इसमें आप मेनली बस यही याद रख लेना कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है और इनका ओरिजिन ऑफ सोर्स क्या है। ज़्यादातर इनमें यही पूछा जाता कि इनका सोर्स क्या है, सोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आए हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना जरूरी है हमारे लिए। आगे दोस्तों, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड NF3 की हम बात करते हैं। नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड जी। मैं कमेंट आपके बाद में पढ़ूंगा दोस्तों, माफ़ करना, मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा क्योंकि फिर हमारी क्लास मिस हो जाएगी, क्लास डिस्टर्ब होगी। ग्रीन हाउस गैसों में उपस्थित एक और गैस नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड भी होता है। NF3 का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ चुका है और इसके दो बड़े मुख्य कारण हैं। पहला तो ये है कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक में इसका इस्तेमाल काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और दूसरा है कि NF3 का एयर एमिशन पहले से ही नॉन एग्जिस्टेंस माना जाता है, इसलिए इस गैस का उपयोग विकल्प के रूप में PFC की जगह में इस्तेमाल करने की के लिए प्रस्तावित किया गया है। देखिए, इसका एक तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, और दूसरा एयर अमीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है, और ये भी एक हमारे ग्रीन हाउस गैस है, इसको भी आप ध्यान में रख लेना। और इसमें से वैसे तो कोई ज़्यादा क्वेश्चन, देखिए हमारा जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कहाँ से आता है, कहाँ से बनता है। एक तो हमारी CFC गैस है, वहाँ से क्वेश्चन आया था। एक हमारी ओजोन गैस है, O3, वहाँ से क्वेश्चन आया था। एक हमारी मीथेन गैस है, वहाँ से क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन हमारा आया था नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, NOx और SO2, उन दोनों से क्वेश्चन आया था। तो वो चार पांच गैसें हैं, उनको आप अच्छे से कर लेना क्योंकि उनमें से क्वेश्चन आया हुआ है, और कल हम लाइव मॉक टेस्ट लेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरह से उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप उसको जरूर करना जी। चलिए
आगे हम बात करते हैं दोस्तों, माफ करना मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा आप सभी दोस्तों के। देखिए ये यहाँ पे एक बार फिर से हमने यहाँ पे जो हानिकारक गैसेस दी हुई है उनका स्रोत क्या है और उनका क्या-क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम बात कर लेते हैं इन पे। एल्टिहाइड सवसन प्रदूषक का नाम है ये, तेल, वसा, ग्लिसरीन। ये देखिए ये जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों, इसमें इम्पोर्टेंट है आर्सेनिक है दोस्तों। आर्सेनिक में से काफ़ी क्वेश्चन आए, 2 से 3 क्वेश्चन पहले आए हैं आर्सेनिक से, अगर आपको याद हो तो। ये कोयला और तेल की भट्टियों से निकलता है और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और त्वचा कैंसर हो सकता है इससे। और आगे हम जो वही बात है दोस्तों, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसी को हम कर रहे हैं। आगे है कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी क्वेश्चन आ सकता है। कोयला और तेल संचालित भट्टियों से ये उत्पन्न होता है, लंबे समय तक संपर्क में रहने से हमारी किडनी खराब हो सकती है। आगे है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड ये दिया हुआ है, मोटर वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाला धुआं, इस्पात के कारखाने, कोयले और तेल की भट्टियां, ये वही चीज है दोस्तों। और फेफड़े खराब हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हृदय पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। जी किडनी डिजीज शरीर चार्ट रूप में सही है। हाँ जी कोशिश करेंगे हम आगे चार्ट ही बनाए। आप 1 मिनट, आप ना पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ये सभी दोस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, लेना चाहे तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए भैया स्क्रीनशॉट ले लिया हो आप सभी ने स्क्रीनशॉट। ओके आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे क्लोरीन है, रासायनिक कारखानों से उत्पन्न होता है, इससे श्वसन संस्थाएं पर व्यापक दुष्प्रभाव पड़ता है। फ्लोराइड फ्लोराइड आयन्स स्टील उत्पाद कारखाने, दांतों को क्षति पहुंचाती है। हाइड्रोकार्बन अधजली गैसोलीन वाष्प श्वसन संस्था को प्रभावित करती है। हाइड्रोसाइनाइड, इसमें से क्वेश्चन नहीं आया दोस्तों। और आगे हम बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, आप ये सभी चीजें देख लेना दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जी ये सारी दोस्तों, ये सारी आसान चीजें, इनमें ऐसा कोई चीज नहीं है कि अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज नहीं है इसके अंदर। हाइड्रोजन फ्लोराइड हमें पता है ये एक हानिकारक गैस है और ये कहाँ से निकलती है, पेट्रोलियम शोधन कारखाने उर्वरक से निकलते हैं, और इससे क्या प्रभाव पड़ता है, त्वचा में जलन होती है, आंखों में जलन होती है। तो कोई ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, इसमें आप पढ़ लेना। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये आ गया निकिल, आ गया निकिल, आ गया और नाइट्रोजन ऑक्साइड आ गया, ओजोन आ गया, और ये भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओजोन है, ओजोन आप थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होती है ये, और आंखों में जलन होती है, अस्थमा को बढ़ावा मिलता है इससे। ठीक है आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे आप ये देख लीजिए, लेड हो गया, लेड मोटर वाहनों का धुआं से निकलती है, मस्तिष्क खराब हो जाता है। और लेड एक और चीज हमने बताया था, अध जले कार्बन, और जो हमारे बाइक होते हैं, गाड़ी जो होती है, पेट्रोल जो होता है, डीजल जो होता है, उनसे हमारा लेड यानी कि शीशा निकलता है, और इससे क्या होता है, इससे हमारा कैंसर होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें आप यहाँ से कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। मध्य मंडल का दूसरा नाम है ओजोन। ओके जी, ओके ओके ओके, चलिए ओजोन परत के बारे में हुआ है, और भी पढ़े क्या ओजोन के बारे में, चलिए पढ़ लेते, चलो दिया हुआ है तो। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैसों की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति में
कि प्रावैज्ञानिक किरणों की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ये आप नोट कर सकते हैं, ये चीज़ जो ओजोन परत है वो 93 से 99% जो हानिकारक किरणें होते हैं उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। और इसमें से ये क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों, जो ओजोन है वो गंध इन गैस है, सॉरी गंध युक्त गैस होती है जो हल्के नीले रंग की होती है। ओजोन परत में ओजोन गैस की मात्रा अधिक पाई जाती है। ओजोन ऑक्सीजन का ही एक प्रकार है। इसमें ओजोन, इसमें O3 यानी कि O के 3 कण पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो ओजोन परत बनती है। ओजोन डिप्लेशन क्या होता है? ओजोन डिप्लेशन मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? ओजोन की परत की खोज 1913 के अंदर फ्रांस के भौतिकविद फेवरी चार्ल्स और हेनरी वूसोन ने की थी। और इसमें आगे क्या है दोस्तों, 1928 से 1958 के बीच डॉब्सन ने दुनिया भर में ओजोन के निगरानी केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया था जो आज तक काम करता है। ओजोन की मात्रा मापने की सुविधाजनक इकाई का नाम डॉब्सन के नाम से रखा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे लिए। जो ओजोन परत है उसको मापने की जो इकाई उसको हम क्या कहते हैं? डॉब्सन कहते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। ये तरंगदैर्ध्य किरणें पौधों जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाने के अलावा मनुष्य में त्वचा कैंसर, सनबर्न, मोतियाबिंद आदि जैसी बीमारी पैदा करती है। यह समस्या वास्तव में बहुत गंभीर है और जिससे यह विश्व वैश्विक चिंता का कारण बनी हुई है। इन्हीं चिंताओं के कारण 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। इस प्रोटोकॉल ने CFC और हेलेन जैसी ओजोन अवक्षय रसायनों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया था। यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और इसमें से पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ओजोन के लिए जो प्रोटोकॉल बनाई गई है उसको हम क्या कहते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है तो आप इसको अच्छे से देख लेना। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ओजोन एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील अणु है जिसमें 3 ऑक्सीजन के परमाणु पाए जाते हैं, ये हमने पढ़ ली। यह समताप मंडल नामक उच्च स्थान में, ये देखिए समताप मंडल आ गया ना, उच्च वातावरण में लगातार निर्मित होते और टूटते रहते हैं, समताप मंडल में बनती है। बिल्कुल सही दोस्तों, आपने बिल्कुल सही कहा। और क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFC ओजोन परत के क्षय होने के प्राथमिक कारणों में से एक है। CFC जो है वो बहुत ज्यादा इसको डिकम्पोज करती है, इसको तोड़ती है। US एजेंसी ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के अनुसार क्लोरीन के एक परमाणु में हजारों ओजोन अणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। क्लोरीन जो है वो बहुत ज्यादा नष्ट करती है ओजोन लेयर को। ठीक है जी राजकुमार जी, सभी दोस्तों ने सही कहा है, समताप मंडल में ये होती है। और आगे दोस्तों दो और चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात करते हैं। सर का जी आप एड ग्रुप ज्वाइन किए है ना सर का? हाँ जी किया है इन्होंने जी। एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 17 अक्टूबर 2014 को एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जारी किया गया था। इस सूचकांक में 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया था और ये प्रदूषक है PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आएगा यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और NH3 अमोनिया, PB शीशा। आप ये चारों आठों के आठ याद रख लेना दोस्तों। इसमें से क्वेश्चन आया है, इसमें से करीब 2 से 3 क्वेश्चन आज तक आए हैं। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, एयर क्वालिटी इंडेक्स ये कब आया था। और इसके अंदर 8 प्रमुख गैस है जिनमें 2 है, PM10 हो गया और PM2.5 हो गया, ये हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम बात करते हैं। इसके अंदर आगे की जो है हमारी NO नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, और फिर है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ओजोन 3 हो गया।
जी रुक गया जी, रुकिए आप ले लीजिए। और फिर है NH3 अमोनिया, NH3 अमोनिया, और फिर है PB सीसा। ये हमारी 8 गैसें हैं दोस्तों जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर शामिल की गई है, और इसमें से करीब 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है पहले, तो ये हमें अच्छे से करना है जी। PM10 जी ले लिया हुआ आप सभी ने स्क्रीनशॉट यहां से। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर क्या होता है। ये देखिए, AQI की रेंज होती है 0 से लेके 500 तक रेंज होती है। इसके अंदर 0 से लेके 50 तक जब रेंज होती है तो उसको गुड माना जाता है, ये मान लो अच्छी होती है एयर क्वालिटी कंडीशन, इसको अच्छा माना जाता है। और ये सिम्बोलाइज किससे, ग्रीन से। ये सिम्बोलाइज मतलब ये किससे दर्शाई जाती है, ये ग्रीन से ही दर्शाई जाती है। 51 से लेके 100 तक मॉडरेट होती है, यानी इसको हम थोड़ा सुधार सकते हैं, इस क्वालिटी को हम सुधार सकते हैं। फिर 101 से 150 तक अनहेल्थी सेंसिटिव ग्रुप के लिए आ जाती है। ये अनहेल्थी होती है, और जो सेंसिटिव जो ग्रुप होता है, जैसे हमारे बच्चे हो गए, हमारे बूढ़े बुजुर्ग हो गए, तो उनके लिए थोड़े खतरनाक साबित हो सकती है। फिर है 150, 151 से 200, ये अनहेल्थी होती है, ये हर किसी के लिए गलत होती है। हाँ, ये हर किसी को ही अपना मरीज बना सकती है, तो ये अनहेल्दी होती है, हर किसी के लिए अनहेल्दी होती है। उसके बाद में 201 से 300, वेरी अनहेल्दी, बहुत ज्यादा स्वास्थ्य को खराब करने वाली होती है। 301 से 500 तक हैजार्ड्स होते हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है ये जी। राहुल कुमार जी बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही। आज आंखों में पेन हो रहा है, क्लास लेने में दिक्कत हो रही है सर। ओहो जी, आप चश्मा लगाइए जी। और मैं आप सभी को, मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपकी आंखें सही भी है ना, तो भी आप चश्मा बनवा लीजिए, जरूर 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 चश्मा बनवा लीजिए, ठीक है। वही है, आप ठंडे पानी से धोइए आंखों को, थोड़ा रेस्ट दीजिए, ज्यादा मोबाइल मत यूज कीजिए। सारिका जी आपसे बात करनी थी, कैसे हो सारिका जी, आप नेट पास हो गए क्या। चलिए, ये आपने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, पहले इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है जी। वायु गुणवत्ता सूचकांक एक ऐसा नया सार्वजनिक जानकारी उपकरण है जो कि दैनिक आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य की वायु प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव से रक्षा करने में सहायता करता है। ये दोस्तों एक हम कह सकते हैं पैमाना तैयार किया गया है प्रदूषण को नापने का, और ये दोस्तों अनुरक्षण केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, ये भी हमें पता होना चाहिए। भारत में इस समय प्रमुख निम्न 3 ऐसे पैमाने प्रयोग में लाए जा रहे हैं। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, इसमें से भी क्वेश्चन आया था पहले। NAMP, इसकी फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, NAMP, ये हमें पता होना चाहिए। वायुमंडल में प्रमुख प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं कण पदार्थ पार्टिकुलेट मैटर PM, इसका कार्यान्वयन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य चुनिंदा शहरों में वायु की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देना है। हाँ, आज खत्म हो गई, इतनी जल्दी क्लास खत्म हो गई आज, ठीक है। आप ये दोनों चीज याद रखना, एक तो एयर क्वालिटी इंडेक्स वो कब आया था और उसका क्या क्या काम है, और उसका जो ये मीटर है ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में से पहले क्वेश्चन आया है, और इसमें से ये क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर नहीं आती है।